नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। फिर भड़का गाजा युद्ध, क्या ये हम कह सकते हैं? आज की बड़ी खबर इस वक्त ये है, क्योंकि कल नेतन्याहू गाजा में होकर आए हैं कल, और यहां पर उनके जो वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन इंचार्ज है, उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं। यही है हमारी आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन शुरुआत इसराइल हमास के बीच युद्ध विराम टूटने का आरोप, ब्रेक करिए। छठे दिन दोनों तरफ से हुए हमले, छठे दिन दोनों तरफ से हमलों के आरोप, करेक्ट करिए उसको, यह बड़ी खबर है। सीधे आइए राहुल दूसरी ब्रेकिंग पर, सीधे आइए। इसराइल में युद्ध लड़ेंगे 10,000 अमेरिकी, ये रिजर्व हैं। नोटिस मिलने के बाद सैन्य ड्यूटी के लिए किया गया रिपोर्ट। ये रिजर्व्स हैं, इसराइली रिजर्व्स अमेरिका में हैं, जो अमेरिकन से वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से खुलासा। 360,000 सैनिकों की होगी लामबंदी, यानी बड़े युद्ध की तैयारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बंधकों का पांचवा जत्था इसराइल पहुंचा। दिखाइए जरा, 10 इसराइली, थाईलैंड के 2 नागरिक रिहा किए गए। ये देखिए तस्वीरें, ये हमास ने इनको जो रिलीज किया उसका वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजरायली जेल से रिहा महिला बच्चे, 30 महिलाओं और बच्चों को किया गया रिहा। विद वीडियो दिखाइए राहुल जरा, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी हमलों में तबाह लेपर्ड टैंक छोड़कर भागे यूक्रेनी। दिखाइए जरा, ये देखिए वीडियो देखिए और एक्सप्लोजन देखिएगा, देयर इट गोज। रूसी हमलों में तबाह लेपर्ड टैंक छोड़कर भागे यूक्रेनी सैनिक, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सैन्य विमान आस्प्रे हादसे का शिकार। विद द वीडियो, जापान के पास समुद्र में क्रैश हुआ विमान, ये देखिए जरा। हादसे के वक्त विमान में सवार थे 8 क्रू मेंबर्स, क्रू मेंबर्स में कोई भी पर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये है वो विमान जो क्रैश कर गया है, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। जापान के पास समुद्र में क्रैश हुआ अमेरिकी विमान, हादसे के वक्त विमान में सवार थे 8 क्रू मेंबर्स, क्रू मेंबर्स में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। आस्प्रे विमान की प्रतीकात्मक तस्वीरें बताई जा रही है। सीधे आइए अगली खबर, हिंद महासागर में अमेरिका की चेतावनी, ब्रेक करिए। कमर्शियल शिप पर हमले की चेतावनी दी गई, इंडियन ओशन में ईरान समर्थित गुटों के हमले की आशंका, इंडियन ओशन में भी यह चेतावनी दी गई है। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, माली बॉर्डर पर बुर्किना फासो का ड्रोन अटैक, ये देखिए जरा वीडियो दिखाइए, ये देखिए जरा, आतंकियों पर बेरफ्तार ड्रोन से हमला किया गया, ये देखिए जरा अटैक, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, माली बॉर्डर पर अटैक किया गया ड्रोन से, ये देखिए बुर्किना फासो एक जगह जहां पर यह अटैक किया गया, ये देखिए जरा, और यह बड़ा खतरनाक विजुअल है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल, इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, माली बॉर्डर पर बुर्किना फासो, ये देखिए जरा, वहां पर ड्रोन अटैक किया गया आतंकियों पर, ये देखिए, देयर इट गोज बूम, ये अटैक की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। इस सब के बाद सीधा आइए राहुल जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 8 खबरें दिखाइए और हम उसके बाद सीधे चलेंगे। जानकारी आ रही है, गाजा युद्ध विराम टूटने का आरोप है, ये खबर है, दोनों तरफ से हमले के आरोप लगाए गए हैं। फिर सैन्य ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया 10,000 अमेरिकी, अमेरिका में जो इसराइल के लोग हैं, रिजर्व के लोगों ने, बंधकों का पांचवा जत्था इसराइल पहुंचा, इसराइली जेल से महिला और बच्चे रिहा किए गए। लेकिन इस खबर से मैं सीधे आपको यहां पर लेकर आऊंगा, ये देखिए ये खबर, हिंद महासागर में अमेरिका की चेतावनी। खबर यह है कि अमेरिका ने कहा कि इस एरिया में आप नहीं ट्रैवल करें। फिर इस सब के बीच में जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, रूसी हमले में तबाह लेपर्ड टैंक, आज रशिया के जो अटैक है, 1,000 से ज्यादा सैनिक 24 घंटे में मारे गए, वो 48 घंटे में मारे गए, वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। धमाकों से दहला नॉर्थ गाजा, ब्रेक करिए विद द वीडियो, सीज फायर के बीच गाजा पर हमले की खबर,
इजरायली सेना पर हमले का आरोप। ये बड़ी खबर, धमाके से दहला, धमाके से, टिकर में भी करे कराइए, धमाके से दहला नॉर्थ गाजा। अभी सिर्फ एक जगह धमाके की रिपोर्ट आ रही है। सीज़फ़ायर के बीच गाजा पर हमले का आरोप है, इजरायली सेना पर हमले का आरोप लगाया गया है। इजरायल गाजा सीज़फ़ायर का छठा दिन है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। गाजा में धमाका, यह बड़ी खबर, इजरायल के ऊपर धमाके का आरोप। सीज़फ़ायर का छठा दिन, क्या सीज़फ़ायर टूटा है, ये बड़ी खबर है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधे आइए, उत्तरी गाजा में आईडीएफ पर हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग। दो इलाकों में इजरायली सेना पर अटैक किया गया, सिर्फ ब्रेकिंग। इजरायली सेना के काफिले पर फायरिंग, यह भी कहा जा रहा है। इजरायली सेना पर आईडीएफ अटैक का दावा, यह भी कहा जा रहा है। आईडीएफ ने हमास पर लगाया हमले का आरोप, सीज़फ़ायर उल्लंघन का लगाया आरोप, यह बड़ी खबर आ रही है। मैं इसका आपको एक सिंबॉलिक शॉट दिखा रहा हूं राहुल, बगल में वीडियो दिखाइए जरा, यह बड़ी खबर है। उत्तरी गाजा में आईडीएफ पर हमले का आरोप, दो इलाकों में इजरायली सेना पर अटैक का आरोप, इजरायली सेना के काफिले पर फायरिंग, इजरायली सेना पर आईडी अटैक का दावा, यह बड़ी खबर है। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई, ब्रेकिंग दिखाइएगा। गाजा में टूट तक सकता है सीज़फ़ायर, ब्रेक करिए। उत्तरी गाजा में झड़प की खबर, हमास ने आईडीएफ पर लगाया सीज़फ़ायर तोड़ने का आरोप, हमास प्रवक्ता ने कहा आईडीएफ का उकसावा, इजरायली सेना कर रही है ग्राउंड अटैक, हमास ने कहा। राहुल ये भी ब्रेकिंग दिखाइए विजुअल के साथ, ये देखिए, गाजा में टूट सकता है आरोप। ये तीनों खबरें इंडिकेट कर रही हैं कि कुछ बड़ा हो रहा है। सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त तक जुड़े हुए हैं जल के सिन्हा सर। सिन्हा सर, वेरी क्विक रिएक्शन मैं आपसे लेना चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ डिटेलिंग आ रही है, सीधे आइए राहुल जरा क्विकली दर्शकों को ये डिटेलिंग देना चाहूंगा मैं। ये देखिए, गाजा में तनाव, टूटेगा सीज़फ़ायर, ये बड़ा सवाल है। हमास ने आईडीएफ पर सीज़फ़ायर उल्लंघन का आरोप लगाया, उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्सेस पर सीज़फ़ायर तोड़ने का आरोप। तब तक सीज़फ़ायर मान रहे हैं जब तक इसराइल इसे मान रहा है। हमास ने कहा इजरायली सेना युद्ध विराम की सभी शर्तों को माने, हमास ने कहा। इजरायली सेना के काफिले पर हमले की खबरें सामने आई, यह बड़ी खबर राहुल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट सीधे सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्या ये सीज़फ़ायर टिकेगा? मुझे नहीं लग रहा, व्हाट इज योर टेक? मुझे तो लग रहा है द फायर इज ऑलरेडी बर्निंग, स्पार्क्स दिखाई दे रहे हैं। जय हिंद निशान। जय हिंद सर। देखिए, ये सीज़फ़ायर इतने लंबे समय के बाद जो हुआ है, टेंपरेरी सीज़फ़ायर है, जिसकी मियाद 4 दिन से बढ़कर फिर उसमें एड्स जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐड होते हैं, उसमें एक चीज तो वेरी क्लियर है कि इसराइल वो करना चाहता है जो वो अभी करता आया है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वहाँ पर बंधक बनाए गए थे, और बंधक को 50 बंधकों को रिहा करवा लेना अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, दो बड़ी चीज़ें हैं जो क्या आपको ध्यान में रखनी होगी कि क्या हमास के पास पूरी कैपेबिलिटी है, जो कहा जा रहा है 240 बंधकों का 190 के आसपास बचे हैं, क्या उनके पास पूरी नफरी है या पूरा कंट्रोल है? मेरे को थोड़ा शक है इसके ऊपर में। मगर जिस तरह से बंधके आए हैं और उनका जिस तरह से मैं देखा हूँ फिजिकल कंडीशन, बड़ा अच्छा लगा कि देखिए हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमास चाहता है सीज़फ़ायर लंबा खींचे, लेकिन नेतन्याहू नहीं चाहते हैं कि सीज़फ़ायर खींचे। और यही कैट एंड माउस का गेम ही ऐसा होता है। सर, मेरे पास एक और खबर आ रही है। सिन्हा सर, बी विद मी, बड़ी खबर इस वक्त की, फ्लोर ब्रेकिंग। नॉर्थ गाजा में दिखे इजरायली ड्रोन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, नॉर्थ गाजा के कई इलाकों में लौट, बड़ी खबर। नॉर्थ गाजा के अंदर तनाव की खबरें, दो दिन पहले गाजा में दिखे थे आईडीएफ के फाइटर प्लेन। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा, बड़ी खबर आ रही है। नॉर्थ गाजा के कई इलाकों में लौट, नॉर्थ गाजा में दिखाई दिए ड्रोन। मैं जाऊंगा जरा राहुल, तुरंत
इस खबर का विजुअल भी प्ले करिए, ये प्रतीकात्मक विजुअल है क्योंकि एग्जैक्टली ड्रोन देखने की खबर आई है। और मैं जाऊंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दीजिए बिपिन के पास। बिपिन, प्योरली नॉर्दर्न गाजा पर मुझे आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए, हो क्या रहा है? सुबह धमाका, उसका विजुअल भी है, नॉर्दर्न गाजा में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिन पहले हमने देखा कि वहां भी फाइटर प्लेन्स भी थे, क्या हो रहा है बिपिन? क्या ऐसा लग रहा है कि जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में दे आर वेरी एजी राइट नाउ, मतलब कुछ कुछ सुगबुगाहट है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल, इस बात से जरा सा भी इनकार नहीं किया जा सकता निशांत, क्योंकि आप जानते हैं कि सीज फायर भले छठवां दिन हो और आज खत्म हो रही है इसकी मियाद, यानी कल सुबह कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावना यह है कि सीज फायर बढ़ जाएगी। इस बीच जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं, दहलाने वाली हैं, और ये माना जा रहा है कि वहां अभी चिंगारी भड़क सकती है कभी भी, और उसकी सुगबुगाहट दोनों तरफ से नजर आ रही है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। एक एक विजुअल दिखाने वाला हूं, आप जो बता रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से चिढ़ा रहा है हमास। बड़ी खबर, राफा में गैस के लिए लंबी कतार, सीधे दिखाइए वीडियो, हफ्तों बाद मिल रहा है गैस सिलेंडर। ये बड़ी खबर, हफ्तों बाद बुनियादी सामान उपलब्ध, कम मात्रा में दिए जा रहे जरूरी सामान। इजिप्ट से सटे साउथ गाजा का शहर राफा, ये देखिए गाजा में किस तरीके से ये लाइन लगी हुई है, यहां पर पेट्रोल के लिए कैंस लेकर खड़े हुए हैं लोग, ये हालात वहां पर बहुत चिंताजनक हैं। ये देखिए जरा गाजा के हालात बड़े चिंताजनक हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर राफा के। मैं जाऊंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, और सीधे चलिए मेरे साथ बाहल सर है। बाहल सर, एक तस्वीर है ये, एक तस्वीर ये दिखाई दे रही है कि हमास अपनी जंग वहां पर दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है किस तरीके से अपने गन्स को दिखा रहा है, दूसरी तरफ लोगों के पास जरूरी चीजें नहीं है। क्या मैं ये समझूं कि हमास का अपना अस्तित्व गाजा में खतरे में है? और ये मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा हूं निशांत जी, आपकी एनालिसिस हमेशा बहुत ही सटीक होती है। और सबसे पहले चीज, जो दोनों चीजें आपने बताई हैं, उत्तरी गाजा में तो कंट्रोल है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, लेकिन सदरन गाजा में अभी भी पूरा का पूरा कंट्रोल हमास के पास है, और वहीं पे अटैक फोकस हो रहे थे जब ये अल्प विराम हुआ था। तो ये दोनों तस्वीरों में एक चीज तो यह है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत बड़ी स्केल पे है, 22 से 23 लाख लोग अपने घरों से बाहर हैं, उनके पास बेसिक बुनियादी सामान नहीं है, लेकिन क्या ये सारा का सारा बुनियादी ह्यूमैनिटेरियन एड उनके पास जाएगा? राफा भी तो साउथ में ही है, ये इनमें से काफी हद तक चीजें जो है लॉजिस्टिक सप्लाईज वो हमास भी अपने पास ले लेगा। और इसराइल का बहुत क्लियर एंड गेम है, बंदकों की रिहाई तो एक शॉर्ट टर्म गेन है, लेकिन का मेन एम जो है वो है हमास को खत्म करना। तो इसीलिए जो आप बता रहे हैं उत्तरी गाजा में जो अटैक हुए हैं या ड्रोन्स हैं, जो फाइटर प्लेन्स दिख रहे हैं, वो सब का सब एक ही एम है कि एक बार बंदक रिलीज हो जाए तो उसके बाद हमास को हम खत्म कर गए, और ये हमास को भी पता है इसलिए ये खिंचेगा। सर आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। राहुल सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा, CIA और मोसाद की सीक्रेट मीटिंग, ब्रेक करिए की बड़ी खबर, ये देखिए जरा कतर में CIA और मोसाद की मीटिंग, इसराइल नहीं चाहता सीज फायर बढ़ाना, 10 दिन बाद फिर से बमबारी की इच्छा है इसराइल की, इसराइल को मनाने की कोशिश में अमेरिका, ये बड़ी खबर है, फिर वीडियो के साथ दिखाइए। मोसाद और CIA, मोसाद चीफ और CIA चीफ विलियम बर्न्स की कतर में मीटिंग हुई है, सीक्रेट मीटिंग, ये मीटिंग कतर के प्रधानमंत्री के कहने पर हुई है, और इस मीटिंग में CIA चीफ ने कहा है कि हम चाहते हैं कि आप इस युद्ध को जल्द से जल्द रोकें, लेकिन यहां पर चिंताजनक खबर जो आ रही है वो ये है कि मोसाद जो है वो नहीं चाहता ये बड़ी खबर सीधे ये युद्ध रुके, सीधे आइए, वो चाहता है मैक्सिमम 10 दिन जंग के मूड में इसराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, 10 दिन बाद फिर से विध्वंसक हमले के मोड में इसराइल, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसराइल गाजा में सीज फायर बढ़ाना नहीं चाहता है, कतर में CIA और मोसाद चीफ की सीक्रेट मीटिंग, सीज फायर पर इसराइल को मनाने की कोशिश में अमेरिका, बंधकों की रिहाई तक अमेरिका सीज फायर के पक्ष में, फिर बंधकों के लिए चल रही है बातचीत पर फोकस की जरूरत,
जरूरत सीआईए चीफ ने कहा। लेकिन अब आज की बड़ी खबर बिपिन चौबे के पास में जाने वाला। राहुल जरा चेंज करिए ब्रांडिंग, फिर भड़का गाजा युद्ध के बाद अगली खबर देखिए, जेनिन की मैं बात कर रहा हूं। दिखाइए जेनिन बना गाजा, क्या है जेनिन हम आपको बताएंगे, क्यों ये गाजा बन रहा है ये हम आपको बताएंगे बिपिन चौबे के साथ। लेकिन पहली बड़ी खबर, जेनिन कैंप में हमास का ठिकाना तबाह, ब्रेक करिए मेरा वीडियो। अल दम्स में हमास का बेस रिश्ता नाबूद, ये देखिए आईडीएफ ने हमास की इमारत को उड़ा दिया, विस्फोटक के जरिए इमारत जमीन दोज, ये देखिए जरा बड़ी खबर, जेनिन में अटैक किया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जेनिन में हमास का कैंप जो है वो तबाह कर दिया गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल इसके बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जेनिन में इजराइल का नॉनस्टॉप हमला, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग, आईडीएफ का 1100 सैनिकों के साथ हमला, जेनिन में हमले में 100 मिलिट्री व्हीकल शामिल, फिलिस्तीन आईडीएफ के बीच हिंसक झड़प, रात करीब 9 बजे से जारी आईडीएफ की रेड। राहुल विद द शॉट दिखाइए जरा, ये जेनिन की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा जेनिन में बहुत चिंताजनक हालात हैं। कल रात 9 बजे से ये रेड जारी है, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, ये देखिए जेनिन के हालात चिंताजनक हैं। अब मैं आपको पहले जेनिन के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन ये देखिए जेनिन बना गाजा, ये मैं जानकारी जो दे रहा हूं, सीधे वॉल पर आइए। जेनिन में जेनिन पर हमला क्यों, क्योंकि जेनिन में इजराइल विरोधी हमास समर्थक है। जेनिन बेसिकली वेस्ट बैंक का एक इलाका है। जेनिन पर हथियारों और विस्फोटकों के सप्लाई का आरोप, ये देखिए जेनिन पर हमास लड़ाकों का आश्रय देने का आरोप, हमास लड़ाके परिवार के साथ जेनिन शिविर में रहते हैं रिपोर्ट, जेनिन को आतंकवाद की शरण स्थली बनने से रोकने के लिए हमला आईडीएफ ने कहा है, जेनिन में कैंप को तबाह और लोगों को विस्थापित करने की कोशिश, ये बड़ी खबर है इसीलिए अटैक किया जा रहा है। राहुल दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, बिपिन चौबे जो कि जेनिन से वापस लौट रहे, वहां के रास्ते से वापस, मतलब एग्जैक्टली जेनिन में नहीं गए लेकिन वेस्ट बैंक से लौटे। बिपिन क्विकली, जेनिन में हालात कितने चिंताजनक है, कहा जाता है कि वो एक मिनी गाजा है, आज की तारीख में वो अगर उसको मिनी गाजा कहा जाए निशान तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं जेनिन बॉर्डर से मुझे इजरायली फोर्सेस ने वापस लौटा दिया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इजरायल के लोग और जो फॉरेन नेशनल जो इजरायल के वाया वहां जाना चाहते हैं उनके लिए सुरक्षित नहीं है वो जगह। वजह क्या है, क्योंकि सीज फायर चल रहा है गाजा पट्टी में, हमास के बहुत सारे ऐसे सपोर्टर हैं, उनके चाहने वाले उनको पसंद करने वाले लोग हैं जो गाजा पट्टी को छोड़कर आज की तारीख में वेस्ट बैंक में शरण लिए हुए हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करते हुए उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान आईडीएफ चला रही है। बड़ी खबर, जेनिन को क्लोज्ड जोन घोषित किया गया, विद द वीडियो राहुल, इसका वीडियो भी है। आईडीएफ ने क्लोज जोन किया, क्लोज जोन का किया ऐलान, क्लोज्ड जोन का किया ऐलान, राहुल करे करिए उसको जरा। जेनिन शिविर भी बंद, सैन्य क्षेत्र घोषित, जेनिन के कई इलाकों में आईडीएफ की सेना तैनात, यह बड़ी खबर है। ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाऊंगा, लेकिन राहुल जरा सीधे आइए, जेनिन क्या है जरा आपको यह भी तो बताना जरूरी है कि यह जेनिन क्या है, इसको लेकर इतना इतना माहौल बन रहा है। यह देखिए इधर आइए, ये अब मैप में देखिए, अब आप ये जेनिन है, यहां पर देखिए जरा जूम इन करिए इसको जरा, कहां है जेनिन, ये वेस्ट बैंक का मैप है आप देख रहे हैं, यहां है भूमध्य सागर, ये है जॉर्डन, यहां पर रमल्ला जेरूसलम आपको दिखाई दे रहा है, ये है जेनिन एकदम टॉप में, जेनिन वेस्ट बैंक का ये हिस्सा है, ये है यहां पर ऑन दिस साइड गाजा। जेनिन को प्लीज जरा इसको वोक मत करिए, जेनिन को मिनी गाजा कहते हैं, क्यों अब जरा इसकी डिटेलिंग में आपको दिखा रहा हूं। वेस्ट बैंक के उत्तर में है जेनिन शहर, ये देखिए जो जानकारी आ रही है, फिर फिलिस्तीन प्रशासन के अधीन है, फिर वेस्ट बैंक की पहाड़ी पर छोटा सा शहर है, फिर ज्यादातर लोग गरीब और बेरोजगार हैं, फिर यहां लोगों में इजराइल के खिलाफ बेहद नाराजगी है। राहुल तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए, 14,000 लोग शिविर में रहते हैं, 1948 में बेदखल किए गए फिलिस्तीनी परिवार, ये देखिए। सीधे चलिए मेरे साथ बिपिन चौबे मौजूद है, बिपिन क्विकली मुझे बताइए
क्लोज जोन घोषित कर दिया है, गोलीबारी हो रही है, बहुत हालात खराब है। क्या जेनिन के अंदर मेजर ऑपरेशन चल रहा है? और क्या मैं आपसे यह समझूं कि अभी जो जेनिन में हो रहा है वो धीरे धीरे रमल्ला में भी दिखेगा, वो धीरे धीरे नेबलुस में भी दिखेगा, वो धीरे धीरे हेब्रॉन में भी दिखेगा? ये बड़े बड़े इलाके हैं, लेकिन क्या ये धीरे धीरे जेरूसलम में भी दिखेगा? क्विकली मुझे बताइए। देखिए, बहुत तेजी से ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो आप कह रहे हैं कि इसका दायरा बढ़ेगा, क्योंकि हमास के जो चाहने वाले हैं वो वेस्ट बैंक से खत्म करना एक बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को आज की तारीख में आईडीएफ अपने हाथों में ले चुकी है। पिछले 24 घंटे से बड़ा ऑपरेशन, जी हाँ, बड़ा ऑपरेशन आज की तारीख में जेनिन में चलाया जा रहा है। यही वजह है कि हम जेनिन के अंदर दाखिल होकर उसको दिखाना चाहते थे, लेकिन हमें एंट्री नहीं दी गई। जो खबरें हैं, 1000 से ज्यादा आईडीएफ की फोर्सेस रेड कर रही हैं, घरों से लोगों को निकाल निकाल कर आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और जब ये कंफर्म हो जा रहा है कि ये हाँ, ये हमास के चाहने वाले थे, ये उनके सपोर्टर्स हैं, ये उनकी विचारधारा को बिलोंग करते हैं, ऐसे घरों को आईडी लगाकर उड़ाया दिखाने वाला हूं। बी विद मी विपिन, ये खबर विद मी विपिन और कैमरामैन गंगा वहां पर मौजूद है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जेनिन पर इजराइल का हमला, ब्रेक करिए इस वक्त और बड़ी खबर। आईडीएफ के निशाने पर जेनिन के शिविर, ब्रेक करिए वीडियो। आईडीएफ ने जेनिन के सभी अस्पतालों को घेरा, ये देखिए जरा, एम्बुलेंस से घायलों के अपहरण का दावा, ये आरोप लगाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जेनिन से ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, जेनिन में इजरायली बुलडोजर का कहर, दिखाइए वीडियो विद द ब्रेकिंग। जेनिन की सड़कों पर आईडीएफ कर रहा है, सड़कों को आईडीएफ कर रहा है तबाह, ये देखिए जरा, जिससे कि मूवमेंट रोक दिया जाए। जेनिन पर 7 इजरायली बुलडोजर्स का हमला, इनकी लाइफलाइन पर चल रहा है बुलडोजर, ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बड़ी खबर है राहुल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, जेनिन में क्या हालात है। जेनिन एक छोटा सा इलाका है, कहां पर, वेस्ट बैंक में, पहाड़ी पर बसा है, वहां पर कहा जाता है उसको मिनी गाजा, जहां पर ये देखिए क्लोज जोन घोषित कर दिया गया है, वहां पर अस्पतालों को घेर लिया गया है, सड़कों पर बुलडोजर चल रहा है। जेनिन में हो क्या रहा है, आइए जरा अब ये मैं आपको दिखाता हूं, सीधे देखिए जेनिन में क्या हो रहा है, इसकी डिटेलिंग देखिए। जेनिन में आईडीएफ फिलिस्तीनी समर्थकों में झड़प है, नंबर वन, रात 9 बजे से लगातार इजराइल की छापेमारी हो रही है, फिर रेड के दौरान बुनियादी ढांचों पर हमला हो रहा है, फिर देखिए जेनिन की सड़कों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, फिर देखिए अब 52 फिलिस्तीनियों की मौत, जिनमें आधे लोग नागरिक थे, यह कहा जा रहा है। जेनिन में 400 से ज्यादा घर ध्वस्त हो गए हैं, जेनिन में 1/4 से अधिक आबादी बेघर है। राहुल, मैं चाहूंगा यह वाली वॉल और इसके पहले वाली वॉल, ये दोनों वॉल अल्टरनेटिवली, और ये जो तीनों खबरें आपने चलाई हैं, इन तीनों को एक के बाद एक दिखाइए। सीधे सिन्हा सर के पास चलिए, सिन्हा सर, जेनिन के हालात खराब हैं, क्या जेनिन में जो हो रहा है वो यरूशलम में भी जाएगा? मैं आपसे यरूशलम इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ईरान ने, हिजबुल्ला ने सीधे तौर, और यह और इतना ही नहीं, हूती ने कहा है कि अगर यरूशलम में कुछ हुआ तो फिर इस युद्ध का दायरा बदलेगा। देखिए निशान, थोड़ा सा जेनिन के बारे में आपको, और थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा कवर किया है। जेनिन एब्सोल्युटली नॉर्थ को होने के बाद भी उसकी कंटिग्युटी होती है नॉर्दर्न, यू नो, इजराइल से, जिसके अंदर में, यू नो, जब हम बात करते हैं लेबनान का साउथ का इलाका, तो ये कंटिग्युटी मिलता है, और ये कंटिग्युटी जाती है जो गोलान हाइट से, तो इसलिए स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, टोटल 13 कैंप है वेस्ट बैंक के अंदर में, टोटल रिफ्यूजी कैंप, उसमें जेनिन में आपने बताया 14,000, एब्सोल्युटली करेक्ट, और उसके नीचे में तुलकरम, आपने देखा होगा तुलकरम भी एक जगह है जिसके ऊपर में एक्शंस हुए थे। आपने पहले बताया कि देखिए जो हेब्रॉन है, या आप ये कहते हैं रमल्ला के ऊपर में, इसके ऊपर ये कंटिग्युटी है उसके साथ, जब हम जेरूसलम की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो उनके 1 साल से बहुत ज्यादा ही काम कार्रवाइयां चल रही हैं। 33 बटालियन लगी हुई है इजरायली फोर्सेस की, उसमें जो इलाका था जेनिन का इलाका, उस पर कार्रवाइयां नहीं हुई, और आप अभी देख रहे हैं, और ये एक स्ट्रेटजिकली बहुत, क्योंकि लिंकअप यदि करना है, यदि कोई ग्राउंड ऑफेंसिव आता है, जो बार बार कहते हैं ऑपरेशन अल अस्का मॉस्क, जिसकी धमकी देता है लेबनान कि हम करेंगे जमीन के ऊपर में, तो ये एक बहुत ही लिंकअप पॉइंट होगा जेनिन, यदि जेनिन रह गया हमास का, क्योंकि हमास का गढ़ है, एक बहुत बड़ा गढ़ है जो कि पहाड़ियों में है, और उसको
ऑपरेशंस करना बहुत मुश्किल है। हाँ आप जो बता रहे हैं कि पहाड़ी पे ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल है। बिपिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये पिक्चर अभी बहुत कुछ इसमें होना बाकी है, चेंज करिए। अब जरा बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, हजार सैनिकों की मौत, यकीन मानिए हजार से कहीं गुना ज्यादा है, और ये 24 घंटे में नहीं 48 घंटे में, क्योंकि यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि 1100 सैनिक तो रशिया के 24 घंटे में मार दिए। यह बहुत बड़ी खबर है, रूस और यूक्रेन युद्ध में बड़ी खबर। यूक्रेनी सेना पर ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक विद द वीडियो, रूसी सेना ने ग्रैड सिस्टम से किया हमला विद द वीडियो, यह देखिए जरा। अहमद साहब, दक्षिण यूक्रेन पर मिसाइल से हमला किया गया, रूस से जारी किया हमले का वीडियो, यह देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, राहुल इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। यूक्रेनी सेना पर ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक, रूसी सेना ने ग्रैड सिस्टम से किया हमला, ग्रैड यानी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, भारत में पिनाका के नाम से, दक्षिण यूक्रेन पर मिसाइल से हमला, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस ने जारी किया हमले का वीडियो, यह देखिए जरा, यह बड़ी खबर आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी सेना का बड़ा मिसाइल हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। बैस्टियन मिसाइल से हमला किया गया, ये देखिए जरा, लोकेशन में लिखिए बैस्टियन मिसाइल से हमला किया गया, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, ये देखिए जरा। यूक्रेनी बेस में भारी तबाही का दावा, ये देखिए राहुल, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये जो अटैक किए जा रहे हैं मैं उसका वीडियो आपको दिखा रहा हूं, बैस्टियन मिसाइल ग्रैड एमएलआरएस से, और यकीन मानिए अभी भी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। जस्ट दैट गाजा में युद्ध ज्यादा भड़का हुआ था इसलिए लोगों का फोकस वहां पर था, लेकिन एक और बड़ी खबर सीधा आइए, रूसी आर्टिलरी यूनिट की भयंकर गोलीबारी, ब्रेक करिए जरा। डोनेस पे यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर हमला, विद वीडियो दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, काउंटर ऑफेंसिव की कोशिश में थे यूक्रेनी लड़ाके, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा कुछ क्षणों के लिए, फुल फ्रेम पे शॉट, ये देखिए रूसी आर्टिलरी यूनिट का अटैक, ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, रूसी आर्टिलरी यूनिट का अटैक, रशिया के जो अटैक विजुअल्स हैं वो आपके सामने, ग्रैड से अटैक किया गया जो कि एमएलआरएस है, बैस्टियन मिसाइल से अटैक किया गया, और ये देखिए आर्टिलरी यूनिट से अटैक किया गया, ये इस वक्त रशिया के युद्ध की तस्वीरें आपके सामने आ रही है, ये देखिए। बीच में बड़ी खबर, मॉस्को में फिर दिखा यूक्रेनी ड्रोन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को के पोडलास्क में दिखे यूक्रेनी ड्रोन, रूसी डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को किया नष्ट। मॉस्को में बड़ा हादसा होने से बचा सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ड्रोन के मलबे से नुकसान की खबर नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को में फिर दिखा यूक्रेनी ड्रोन, मॉस्को पर फिर ड्रोन से हमले की कोशिश, यूक्रेन ने मॉस्को में ड्रोन अटैक की कोशिश की, मॉस्को के पोडलियास में यूक्रेनी ड्रोन, रूसी डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया, मॉस्को में बड़ा हादसा होते होते बचा, ड्रोन के मलबे से नुकसान की खबर नहीं, यह बड़ी खबर है। सीधे आइए राहुल, एक और बड़ी खबर, रूसी ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग, ब्रेक करिए, एंटी एयरक्राफ्ट गन से की गई फायरिंग विद द वीडियो, पिकअप ट्रक पर लगाया एंटी एयरक्राफ्ट गन, यह देखिए जरा। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ड्रोन वॉर शुरू हो चुका है वहां पर, यह देखिए, और यह भाई साहब वहां पर पोज भी दे रहे हैं, ये देखिए लोकेशन में प्लीज जरा, रशियन ड्रोन पर अटैक, पिकअप ट्रक पे जुगाड़ से अटैक किया गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा,
इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, बड़ी खबर। यूक्रेन का डीपीआर पर 140 बार शेलिंग, यूक्रेन की करेक्ट करिए, डीपीआर पर 140 बार शेलिंग। यूक्रेन ने डीपीआर पर दागे कई रॉकेट, डीपीआर यानी डोनेस पीपल रिपब्लिक, यूक्रेन की डीपीआर पर ड्रोन से हमले, हमले में तबाह डीपीआर के कई इलाके, यानी डोनेस के कई इलाके तबाह, कहीं पर डोनेस लिखिए, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधे आइए, अब जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सीधे आइए, हजार सैनिकों की मौत, उससे बड़ा आंकड़ा है, मैं बाहल सर के पास आने वाला हूं। डोनेस में यूक्रेनी सैन्य बेस में तबाही, ब्रेक करिए, 48 घंटे में मारे गए 300 से ज्यादा सैनिक, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। दो यूक्रेनी ब्रिगेड को तबाह करने का दावा, क्लिशिविका कुद्रीमोका में रूसी हमला, यूक्रेनी सेना का मोर्टार डिपो भी तबाह। नाउ विद द वीडियो, सीधे आइए, ये बड़ी खबर देखिए जरा, 48 घंटे में 300 सैनिक खाली इस इलाके में मारे गए, डोनेस में यूक्रेन का सैन्य बेस तबाह, 48 घंटे में मारे गए 300 से ज्यादा सैनिक, दो यूक्रेनी ब्रिगेड को तबाह करने का दावा, क्लिशिविका और कुद्रीमोवका में रूसी हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, डोनेस में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान, ब्रेक करिए, 24 घंटे में मारे गए 200 यूक्रेनी सैनिक, विद द वीडियो, शवों को छोड़कर भागे यूक्रेनी सैनिक, पहले डिफेंस लाइन में तीन गुना कम हुई यूक्रेनी सैनिक, पहली डिफेंस लाइन में तीन गुना कम हुई यूक्रेनी, कुपियांस में यूक्रेनी सेना का हमला नाकाम, ब्रेक करिए, 24 घंटे में तीन बार हमले की कोशिश नाकाम, विद द वीडियो, यूक्रेनी सेना की दो मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पूरी तरह नष्ट हो गई है, क्रासनोए में यूक्रेनी कमांड पोस्ट तबाह हो गई है, रूसी काउंटर अटैक में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। नंबर्स देखिए आप, कहीं 200, कभी 100, कभी 30, ये नंबर्स बहुत बड़े हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, खेरसोन में रूसी हमले से दहला यूक्रेनी बेस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, 24 घंटे में यूक्रेन के 35 सैनिकों की मौत, ये देखिए जरा, 24 घंटे में, विद द वीडियो राहुल, 24 घंटे में यूक्रेन के 3 आर्टिलरी यूनिट तबाह, यूक्रेनी अकात्सिया प्रोपेल गन नेस्तराबूत, ये बड़ी खबर है। सीधा ये 24 घंटे में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान जो हुआ है, अब ये 24 के बजाय 48 घंटे में कहूंगा, ये देखिए जरा फैक्ट्स देखिए बाप, ये है डोनेस्क, डोनेस्क को डीपीआर भी कहते हैं, पहले यहां पर जूम इन करके अभिषेक जो कैमरा पर है वो दिखा दीजिए, ये है डोनेस्क, यानी डीपीआर भी कहते हैं, डोनेस्क और लुहांस को मिलाकर डीपीआर बनता है, डोनेस्क पीपल रिपब्लिक जिसको कहते हैं, ये देखिए 310 सैनिकों की मौत, 4 यूक्रेनी ब्रिगेड तबाह हो गए, नेक्स्ट देखिए, फिर 280 सैनिकों की मौत, लीमन में अगर बात की जाए, लीमन में 5 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हो गए, फिर देखिए नेक्स्ट देखिए, 30 सैनिकों की मौत, कुपियांस में 2 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड तबाह हो गए, नेक्स्ट देखिए जो मैं जानकारी, और ये देखिए बगल में रशियन अटैक में आपको दिखा रहा हूं, ये उसका इंपैक्ट है, ये अटैक है, ये देखिए, फिर खेरसोन में 35 सैनिकों की मौत, 3 आर्टिलरी गन नष्ट हो गए, फिर देखिए जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, लेकिन अब एक और क्लेम, ये क्लेम बहुत बड़ा है, लेकिन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले वरना सैक ऑफ सॉल्ट ले, आप खुद डिसाइड करें, 24 घंटे में रूस को बड़े नुकसान का दावा, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, 24 घंटे में मारे गए 1140 रूसी सैनिक, 644वें दिन रूस का 21 ड्रोन से हमला, 644वें दिन रूस के 3 क्रूज मिसाइल से हमला, रूस के नुकसान पर यूक्रेनी डिफेंस का दावा, सीधे देखिए सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, अब आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज, यूक्रेन में एक और टारगेट किलिंग की कोशिश, ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग, यूक्रेनी खुफिया एजेंसी चीफ की पत्नी को दिया गया जहर, मरियाना बुडानोवा को दिया गया जहर,
जीआरयू चीफ किरिल बुडानोव की पत्नी है। नाउ विद द वीडियो। मरियाना का अस्पताल में इलाज जारी, ये बड़ी खबर है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ की पत्नी को जहर दिया गया, ये कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ की पत्नी को जहर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए बिग बॉस पर, जो मैं आपको डिटेलिंग दिखा रहा हूं। राहुल, मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग बगल में रखिएगा और ये फैक्ट देखिए। यूक्रेन में टारगेट किलिंग, क्या यह कहा जाए? जीआरयू चीफ किरिलो बुदानोव की पत्नी मरियाना बुदानोव को जहर दिया, ये हैं उनके इंटेलिजेंस चीफ और ये है उनकी पत्नी की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जहर दिया गया, इनको भी दिया गया क्या, ये सवाल है। फिर देखिए मरियाना बुदानोव के खाने में जहर मिलाकर हत्या करने की कोशिश, ये देखिए रूस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है जीआरयू चीफ किरिलो बुदानोव। ये देखिए यूक्रेनी सेना के बड़े अधिकारी के परिवार पर टारगेट किलिंग का दूसरा मामला है ये। 7 नवंबर को यूक्रेनी सेना के अधिकारी मेजर हेडनी चातिस्कोव की हत्या हुई थी, ये जानकारी है। बेटे के बर्थडे के दिन एक गिफ्ट पैक में ग्रेनेड डालकर दिया गया था। सोचिए पैकेट खोलते वक्त धमाके में हेडनी चिकित्सकों की मौत हो गई थी। राहुल, यह खबर बहुत बड़ी है, इसका एक शार्प रिएक्शन, क्विक रिएक्शन सिन्हा सर से मैं लेना चाहूंगा विद द ब्रेकिंग एंड शॉर्ट इन्वॉल्व। सिन्हा सर, योर टेक वेरी क्विक सर। देखिए निशांत, 3-4 लेयरों पे यू नो रशिया अपने ऑफेंसिव को, आपको काउंटर ऑफेंसिव कहें या विंटर ऑफेंसिव को लॉन्च कर रहा है। एक तो आपने दिखाया जब हम कुपियांग से लेकर के आपने लीमन की बात की, आपने अवेदिनका की बात की और उनके ब्रिगेडों की आप बात कर रहे हैं जिनकी तबाहियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। नंबरों को आंकड़ों में ले जाएं। और दूसरा जो फिफ्थ कॉलमिस्ट का एक्शन चलता है जिसमें आपने बताया कि जैसे जीआरयू के जो हेड हैं उनकी पत्नी को आप टारगेट कर रहे हैं, तो वो ये देखिए ये रशिया का पुराना ही एक उनका वॉरफेयर का हिस्सा है जो कि ये चलता रहता है। अभी बहुत हार्ड हो चुका है पूरे यूक्रेन के अंदर में, जेलेंस्की और उनके मिलिट्री के बीच में बहुत बड़ी खाई है और उस खाई को अब कोई नहीं पाट सकता। हाँ, जो चीज़ें होंगी, मैं इसको फ्रोजन वॉर इसलिए कहता हूँ कि ये चलता रहेगा सालों साल और रूस अपने अधिपस्त को, चाहे वो आपने एलपीआर अटिकिया की जो बात की, लोहांस वो मोर लेस कंसोलिडेट कर लिया है जिसमें जुम और लीमेन है और अभी डीपीआर में क्योंकि 40% स्टिल इलाका डीपीआर का नहीं है। ठीक है सिन्हा सर और बाहल सर, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अभी कहानी बाकी है। राहुल, चेंज करिए इसको जरा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सीधे देखिए 3 देश वर्सेस अमेरिका, तीनों देशों की तस्वीरें देखिए, रईसी फिर शी और किम और वर्सेस अमेरिका। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं आज की बड़ी खबर 2024-25 में बड़े युद्ध की तैयारी में नेटो। ब्रेक करिए, नेटो देशों ने बढ़ाया मिसाइल प्रोडक्शन, ब्रिटेन और अमेरिका ने बढ़ाया 155 एमएन शेल्स का प्रोडक्शन, 2024-25 में दुगने 155 एमएन शेल के प्रोडक्शन का लक्ष्य, ये बड़ी खबर है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए राहुल, ये बड़ी खबर है। मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा दिया है नेटो ने, क्यों बढ़ा दिया है, क्या किसी बड़े युद्ध की तैयारी है? सीधे आइए फ्लोर ग्रुप ओवर, जब जानकारी है 2024-25 में बड़े युद्ध की तैयारी। अमेरिका 2024-25 के अंत तक 7,20,000 राउंड शेल्स तैयार करेगा, 2025 तक 155 एमएम के हर महीने 80,000 शेल्स तैयार करने का लक्ष्य है। यूएस कांग्रेस ने हथियारों के लिए $3.1 बिलियन बजट का अप्रूवल दिया है, $105 बिलियन का इमरजेंसी फ्रंट प्रपोजल दिया गया है। फिर ब्रिटेन का लक्ष्य है 2025 तक 155 एमएम के शेल्स का प्रोडक्शन 8 गुना बढ़ाना। ये देखिए यूरोपीय देशों का लक्ष्य है सालाना 2,30,000 शेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाना। इसराइल अमेरिका को ईरान की चेतावनी, ब्रेक करिए, ईरान ने दिखाई मिसाइल ताकत विद द वीडियो। राहुल, एयरोस्पेस फोर्स ने किया वीडियो जारी, ये देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत दिखाई गई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए इसराइल अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली खबर, ब्रेक करिए। ईरान को मिलेंगे रूस के एडवांस फाइटर जेट, ईरान रूस में SU-35 फाइटर जेट की डील पक्की, ईरान को मिलेंगे MI-28 हेलीकॉप्टर। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर विद द वीडियो, समंदर में अमेरिका और ईरान आमने सामने विद द वीडियो। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी से बड़ी टेंशन, ये उसी का वीडियो है। ईरानी नौसेना ने अमेरिकी शिप का किया पीछा, ईरानी सेना ने अमेरिकी नौसेना को दी चेतावनी, चेतावनी के बाद फारस की खाड़ी की ओर बढ़ा अमेरिकी विमान वाहक, ईरान ने जारी किया अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को घेरने का वीडियो। ये बड़ी खबर है राहुल, फिर से दिखाइए इस खबर को एक बार।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए, सीधे जो हमारे पास जानकारी है, इराक की मिलिशिया की अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी विद द वीडियो, जल्द अमेरिकी बेसिस पर बड़े हमले की धमकी, सर्दियों में मिसाइल और ड्रोन से हमला होगा, इराकी मिलिशिया अशाब अल कहाफ की धमकी।